हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के बारे में। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम कोल को कोक के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कोल के अंदर बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को कम कर देती हैं। तो अगर हम ऐसे सभी इम्प्योरिटीज़ को निकाल दें कोल में से, तो हमें क्या मिलता है? कोक। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक और टर्म अच्छे से समझने की ज़रूरत है, वो है मेटालर्जिकल कोक क्या होते हैं। तो ऐसे कोक जो मेटालर्जिकल प्रोसेस के अंदर यूज़ किए जा सके, ऐसे कोल को हम क्या बोलेंगे? मेटालर्जिकल कोक। अब मेटालर्जिकल प्रोसेस मीन्स, मेटालर्जिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें ओरेस में से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जनरल भाषा में आप क्या समझ सकते हैं कि ऐसे कोक जो स्टील प्लांट एज अ फ्यूल एक्सेप्ट कर ले, ऐसे कोक को हम क्या बोलेंगे? मेटालर्जिकल कोक। ठीक है, तो अब हम कार्बोनाइजेशन प्रोसेस को समझना शुरू करते हैं। व्हेन कोल इज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन अब्सेंस ऑफ एयर, इट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग पोरस डेंस एंड कोहरेंट मास नोन एज कोक। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोल इंटू कोक इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो जब हम कोल को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पोरस डेंस एंड कोहरेंट मास मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोक। और ये जो प्रोसेस है कोल को कोक के अंदर कन्वर्ट करने का, ये क्या कहलाता है? कार्बोनाइजेशन। ठीक है, All types of coal cannot be converted into coke. At high temperature, some coals get softened and swell to form a mass with porous structure. Such coals are called caking coal. Such coals are difficult to be oxidized. The residual that is formed is the coke. If the coke is hard, porous and strong, then the coal from which it is formed and it is usable for metallurgical process, then it is called as coking coal. For example, bituminous coal. तो यहाँ पे दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, caking coal और coking coal। ठीक है, तो केकिंग कोल क्या होते हैं? आपने कोल लिया, उसको हाई टेम्परेचर दिया, लेकिन हाई टेम्परेचर देने के बाद वो सॉफ्ट पड़ गया। तो ऐसे कोल जो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? केकिंग कोल। और केकिंग कोल का यूज़ मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर नहीं किया जा सकता है, स्टील प्लांट्स के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और कोकिंग कोल क्या हो गया? आपने कोल लिया, उस पर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस लगाया, तो जो भी मास मिला वो और भी ज़्यादा हार्ड है, स्ट्रेंथ है, पोरस है, तो ऐसे कोल को हम क्या बोलेंगे? कोकिंग कोल। ठीक है, तो केकिंग कोल क्या हो गया? ऐसे कोल जिनसे हमें मेटलर्जिकल कोक नहीं मिलते हैं, हमें सॉफ्ट कोक मिलते हैं, जिनका यूज़ मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर नहीं किया जा सकता है। और कोकिंग कोल क्या हो गया? ऐसे कोल जिन पे कार्बोनाइजेशन प्रोसेस लगाने के बाद वो और भी हार्ड हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं, स्ट्रेंथ हो जाते हैं, और जिनका यूज़ हम मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर कर सकते हैं, स्टील प्लांट्स उनको एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसे कोल को हम क्या बोलेंगे? कोकिंग कोल। ठीक है, कोल्स विथ मोर परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मेटल्स आर नॉट फिट फॉर कोकिंग। सच कोल्स आर यूज फॉर गैस मेकिंग, एग्जाम्पल एंथ्रेटिक, सब बिटुमिनस एंड लिग्नाइट कोल्स आर नॉट नॉन कोकिंग कोल। ठीक है, तो कुछ ऐसे कोल भी हैं हमारे पास जिनके अंदर वोलेटाइल मेटल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम उनका यूज़ कोकिंग के अंदर नहीं कर सकते हैं। कोकिंग मीन्स वही है, कोल को कोक के अंदर कन्वर्ट करने का प्रोसेस। ठीक है, चाहे आप उसको कार्बोनाइजेशन कह लीजिए, चाहे उसको आप कोकिंग कह लीजिए। ठीक है, तो ऐसे कोल्स जिनके अंदर वोलेटाइल मटेरियल ज़्यादा होता है, उनका यूज़ हम कोकिंग के लिए नहीं कर सकते हैं, और ऐसे कोल को हम क्या बोलते हैं? नॉन कोकिंग कोल्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बात करी? कार्बोनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, मेटलर्जिकल कोक क्या होती है, और केकिंग कोक, केकिंग कोल, कोकिंग कोल क्या होते हैं, और नॉन कोकिंग कोल क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेप कि कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के दौरान कोल किस किस स्टेप से होकर गुजरता है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कार्बोनाइजेशन प्रोसेस, तो क्या क्या स्टेप्स हैं कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के दौरान, वो हम देखते हैं। फर्स्ट बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल किसका एग्जाम्पल था? कोकिंग कोल का, जिसकी हेल्प से हमें एक
हार्ड स्ट्रेंथ कॉक मिल सकता है, ठीक है। तो हम बिटुमिनस कोल लेंगे, उसको स्लो हीट देंगे। स्लो हीट देने के बाद उसमें से मॉइस्चर और गैसेस निकल जाएंगी, ठीक है। फिर 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस हीट देने पर H2O, H2S लोअर हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्केन्स एंड अल्काइन्स फॉर्म। तो 250 टू 300 डिग्री पर टेम्परेचर देने पर H2O, H2S और लो हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं। 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने पर वो डीकम्पोजिशन ऑफ कोल, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो कोल का डीकम्पोजिशन हो जाता है और जो गैसेस होती हैं वो निकलना शुरू हो जाती है। 400 डिग्री सेल्सियस पे केकिंग कोल्स बिकम सॉफ्ट एंड प्लास्टिक। तो अगर आप केकिंग कोल यूज़ कर रहे हैं तो 400 डिग्री सेल्सियस तक आते आते वो सॉफ्ट पड़ जाती है और प्लास्टिक मास बना लेती है। 700 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप हीट देंगे तो हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड। अगर आपने प्रोसेस जारी रखा, आपका जो कोल है वो कॉकिंग कोल है जिसके हेल्प से आपको स्ट्रॉन्ग और हार्ड कोक मिल सकता है, तो 700 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड, तो हाइड्रोजन निकलने लग जाएगा। 800 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मास, इवोल्यूशन ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो 800 डिग्रीज पे आपका जो कोल था कॉकिंग कोल वो भी प्लास्टिक मास बना लेगा और वेरियस गैसेस उसमें से निकलने लग जाएंगी। एंड मोर देन 900 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, कोक फाइनली बन जाएगा, ठीक है। सोलिडिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक फॉर्म लाइक मास, ठीक है। अब जो भी कोक बनता है कैसे बनता है, जो भी प्लास्टिक मास बना था उसका सोलिडिफिकेशन हो जाता है, धीरे धीरे वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें कोक मिलता है। अब यहाँ पे दो तरह के कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन एंड सेकेंड है हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। तो अब हम ये देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, when the carbonization is carried out at 500 to 700 degree celsius then it is called low temperature carbonization. The coke contains 5 to 15% volatile metals and cannot be used in metallurgical process. It lignites easily and used in domestic uses. Coke obtained is smokeless and the byproduct gas obtained has high calorific value, 6500 to 9500 kilocalories per meter cube. तो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है, 500 टू 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही टेम्परेचर आपको रखना पड़ता है। इसी टेम्परेचर के बीच में पूरा कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और जो भी कोक आपको मिलता है, फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, उसके अंदर वोल्टेड मटेरियल ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स आपने टेम्परेचर 700 डिग्री तक ही रखा था तो उसके अंदर वोल्टेड मटेरियल पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाते, कुछ मात्रा में वोलेटाइल मटेरियल उसके अंदर ही रह जाते हैं। तो इस तरह के जो कोक है वो मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर यूज़ नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, और जो रिक्वायरमेंट है वो हार्ड कोक की होती है। तो हमने कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के जब स्टेप देख रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि 400 डिग्री सेल्सियस तक आते आते अगर आपका जो आपने कोल लिया है वो केकिंग कोल है तो वो सॉफ्ट पड़ जाता है, तो वहीं पे हम अपने प्रोसेस को रोक देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें सॉफ्ट कोक मिलता है जो कि मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता है और ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है और स्मोकलेस होता है। ये जो कोक बनता है वो स्मोकलेस होता है और इनके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में, तो उनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के हेल्प से जो हमें कोक मिलता है वो सॉफ्ट होता है, उसके अंदर वोलेटाइल मटेरियल भी 5 to 15% होता है जिसका यूज़ हम मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर नहीं कर सकते हैं और सिर्फ इसका यूज़ हम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए कर सकते हैं और ये स्मोकलेस होती हैं। अब हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, when carbonization is carried out at 900 to 1200 degree celsius it is called high temperature carbonization. The coke produced has high strength, purity, hardness, desired porosity and used for metallurgical process. Coke obtained has low volatile metals, 1 to 3% only, and the product gas obtained has low calorific value. ठीक है,
तो हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो 9 to 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकता है। इससे जो हमें कोक मिलता है वो हाईली स्ट्रेंथ होता है, पोरस होता है, प्योर होता है, हार्ड होता है, जिसका यूज़ हम मेटालर्जिकल प्रोसेस के अंदर कर सकते हैं। और इसके अंदर वोलेटाइल जो मेटल होता है वो भी 1 to 3% ही होता है। ऑफकोर्स क्योंकि हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं 9 to 1200 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसके अंदर जो भी वोलेटाइल मेटल छुपा होता है कोल के अंदर वो इवेपोरेट हो जाता है और ओनली फॉर 1 to 3% ही वोलेटाइल मेटल बचता है। और साथ ही में जो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, जो प्रोडक्ट गैस मिलते हैं, उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 5400 to 6000 किलो कैलोरीज पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों के बीच में। कंपैरिजन तो अब पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम इस पर नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट कंपैरिजन क्या है कि लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में जो टेम्परेचर होता है वो 500 to 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकता है, और हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में हाईएस्ट जो टेम्परेचर होता है वो 900 to 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकता है। जो कोक मिलता है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में वो 5 to 15% वोलेटाइल मेटल कंटेन करता है, जबकि हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन के हेल्प्स जो कोक मिलता है उसके अंदर ओनली फॉर 1 to 3% वोलेटाइल मेटल होता है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोक इज 6500 to 9500 कैलोरीज पर ग्राम होती है, और इसमें कैलोरीफिक वैल्यू 5500 to 6000 कैलोरीज पर ग्राम होती है। लो टेम्परेचर की हेल्प से जो हमें कोक मिलता है वो वीक होता है, सॉफ्ट होता है, और मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर यूज़ नहीं करा जा सकता है, ओनली डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जबकि हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से जो हमें कोक मिलता है उसका यूज़ हम मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि वह बहुत स्ट्रॉन्ग, हार्ड और पोरस होता है। परसेंटेज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इज लोअर, सो नो स्मोक प्रोड्यूस। इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए स्मोक लेस होता है, लेकिन इसके अंदर परसेंटेज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इज हायर, टच प्रोड्यूस स्मोक। ठीक है, तो इसके अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा होने की वजह से ये स्मोक प्रोड्यूस करता है। ओनली 130 to 150 मीटर क्यूब पर टन ऑफ बाई प्रोडक्ट गैसेस आर प्रोड्यूस, एंड इसमें 300 to 390 मीटर क्यूब पर टन ऑफ बाय प्रोडक्ट गैसेस आर प्रोड्यूस। तो लो टेम्परेचर में जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो हमें थोड़े कम मिलते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में जो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेरिजन टू लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। अब बाय प्रोडक्ट क्या है ये हम जस्ट नीचे देखने ही वाले हैं, तो आपको अगर समझ में नहीं आया अभी तक तो हम नीचे बात करने वाले हैं इसके बारे में। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोक इज हायर, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोक इज लोअर। अच्छा, तो वही बात आ गई, कैलोरीफिक वैल्यू इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है और हाई टेम्परेचर में जो हमें मिलता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी कम होती है। इलाइट 75 to 80%, इलाइट 65 to 75%। तो जितना भी आपने कोल डाला है उसका 75 to 80% आपको कोक मिल जाएगा, और हाई टेम्परेचर में जितना भी आपने कोल डाला उसका 65 to 75% कोक मिल जाएगा। तो यहाँ पे छोटी सी कंफ्यूजन ये हो सकती है कि लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से जो हमें कोक मिल रहा है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है और इसका परसेंटेज भी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। तो हम लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस का ही यूज़ क्यों ना करें, तो इसका आंसर ये है कि लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से जो हमें कोक मिलता है वो वीक होता है, सॉफ्ट होता है, जिसका यूज़ हम मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर नहीं कर सकते हैं। स्टील प्लांट्स इसको एज अ फ्यूल एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं, इसलिए हमें हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस की हेल्प लेनी पड़ती है, भले ही इससे जो हमें कोक मिलता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी कम हो, चाहे इसका जो परसेंटेज है वो कम हो, लेकिन जो भी कोक प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, जो कि मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हम हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या बाय प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जब हम कोल को कोक के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हमें ओनली फॉर कोक नहीं मिलता है, उसके साथ में कई बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो कि बहुत यूज़फुल भी हैं। ठीक है, तो जब भी कोल पे कार्बोनाइजेशन प्रोसेस लगाया जाता है तो हमें क्या क्या मिलता है, कोल टार, अमोनिकल लिक्वियर, कोल गैस, नैफ्थलीन, बेंजीन, H2S एंड कोक रेसिड्यू। ठीक है, कोल टार का अगर और भी एक्सट्रैक्शन करें तो हमें क्या मिल जाता है, लाइट ऑयल, मिडिल ऑयल, हैवी ऑयल,
एंथ्रेंस ऑयल रेसिड्यू, ठीक है। तो इन सब का स्पेसिफिक यूज है और ये बहुत यूजफुल भी है। तो कोल जब कोक के अगर कन्वर्ट होता है तो ओनली फॉर कोक हमें नहीं मिलता, उसके साथ कई तरह के बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो कि बहुत यूजफुल हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, मेटलर्जिकल कोक क्या होते हैं, कैकिंग कोल, कॉकिंग कोल क्या होते हैं, नॉन कॉकिंग कोल क्या होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं कार्बोनेशन प्रोसेस के अंदर, टाइप्स ऑफ कार्बोनेशन प्रोसेस पढ़े, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन एंड हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने देखा, और साथ ही में क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं जब हम कोल पर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस लगाकर कोल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।